डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में खुद के अनुशासन को बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन सफलता और कामयाबी के लिए अनुशासन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या आप भी सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं? तो आप विश्वास कीजिए, आज की बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। आज की इस बुक समरी में हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसको लिखा है ओलिवर मैकएंड्रू ने। इसमें हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में, और इसके पीछे की साइंस के साथ साथ हम जानेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वन, योर बिग वाई। हमारे गोल के पीछे सबसे मेन रीजन होता है हमारा क्यों। मतलब सिर्फ यह जानना जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में क्या पाना है, सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि आपको क्यों पाना है। मतलब क्यों को जानना जरूरी है। अगर हम इस क्यों को समझ गए तो हम ऑटोमेटिकली खुद से ही उत्साहित और फोकस रहने लग जाएंगे। आपने कई बार यह देखा होगा कि आप हार्डवर्किंग तो बहुत हैं, लेकिन आप खुश और संतोषजनक फील नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सपना आपके क्यों के साथ कनेक्ट नहीं होता है। लोग अक्सर मोटिवेशन के लिए पैसा और नेम का यूज करते हैं, लेकिन रिसर्च से यह पता चला है कि सक्सेस ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिलती है जो किसी भी काम को अपने मन से कर रहे हों, न कि पैसों और नेम के लिए। आइए अब समझते हैं कि बड़े क्यों को डिफाइन कैसे करें। पहला तरीका है जुनूनी गतिविधियाँ। लेखक कहते हैं कि ऐसी गतिविधियों के बारे में सोचो जिसमें आप बहुत सारा समय लगाते हों, क्योंकि आप उसे इंजॉय करते हैं और वही आपका क्यों हो सकता है। दूसरा तरीका है नया अनुभव। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कन्फर्म नहीं हैं तो आप नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी नई चीज़ में अपना क्यों मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्यों नई चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद ही आता है। तीसरा तरीका है फॉरगेट सोसाइटी रैंकिंग। जरूरी नहीं है कि जिस काम को आप पसंद करते हैं वह कितना ज़रूरी है। हर एक काम, हर एक उद्देश्य जरूरी होता है। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। आप मरने से पहले क्या पाना चाहते हैं, जरा इसके बारे में सोचिए। और सबसे पहले आपको अपना क्यों ढूंढना है। पैसे और नेम के लिए किसी भी काम को नहीं करना है, उस काम को करना है जिसमें आपका मन लगे। क्यों को ढूंढने में आपका समय और आपका अनुभव महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर टू, द सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया है कि जब आप किसी इंसान के साथ ज़्यादा समय तक रहते हैं तो आपके अंदर भी उसी इंसान का व्यवहार और आदतें आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे आसपास का वातावरण हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि आपका सोशल सर्कल आपकी आदतों पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर आपके दोस्त को ज़्यादा जंक फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर खाने की आदत है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी यह आदत आपको भी जल्द ही लग जाएगी। और सिर्फ आदत ही नहीं, इसके साथ साथ लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए अगर आपका वातावरण आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत बदल लेना चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जरूरी नहीं है आप लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाएं, पर यह जरूरी है कि आप सकारात्मक लोगों के साथ में रहें। तीन स्टेप्स में आप अपने वातावरण को अच्छा और खुशनुमा कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें नकारात्मक प्रभाव की पहचान करनी होगी कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन रहने से रोक रही हैं। दूसरे स्टेप में हमें सकारात्मक प्रभाव को ढूंढना है, मतलब ऐसे लोगों को जो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को बनाने में मदद कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप में
हमें गोल्स को सेट करना है ताकि हम नकारात्मक प्रभाव को रोक सकें। चैप्टर 3, हैबिट्स एंड कंपाउंडेड रिटर्न्स। हैबिट या आदत हर वह चीज है जो हम करते हैं। हैबिट को हम व्यवहार की तरह सोच सकते हैं जिसे हम अपने डेली रूटीन में रिपीट कर सकते हैं। अच्छी आदत हमें अपने टारगेट को पूरा करने में मदद करती है जबकि बुरी आदत हमें मुश्किलें पैदा करती है। कंपाउंडेड रिटर्न क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं और आप उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करते हैं तो कुछ समय बाद यही मेहनत आपको बड़े रिजल्ट देगी। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको गाना सीखना है और एक गायक बनना है तो आप धीरे धीरे रोज गाना सीखेंगे और गाएंगे तब जाकर आप अच्छे गायक बन पाएंगे। अचानक से कुछ नहीं होता है, हर चीज में टाइम लगता है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बिहेवियर चेंज, मतलब अगर आपको नई आदत बनानी है तो आपको उसे अपनी सहायक आदत में जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह टूथब्रश तो करते ही हैं, ब्रश करना आपकी असिस्टिंग हैबिट है। अब आप मान लीजिए आपको मेडिटेशन की हैबिट डालनी है तो आप जस्ट ब्रश करने के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे होगा यह कि जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि अब मुझे मेडिटेशन करना है। ऐसी ही आदत आप किसी भी काम में डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो आप उसे किसी दूसरे काम से जोड़ दीजिए जिसे आप रोज करते हैं, जिससे आपको उस काम की आदत होने लग जाएगी और आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। इसके लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। हर नई आदत को बनने में करीब 60 से 65 दिन लगते हैं। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक समरी अच्छी लग रही तो हमारे यूट्यूब चैनल NCR रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा जब तक कि आपकी हैबिट ऑटोमेटिक ना हो जाए। इसके साथ साथ आप विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको विजुलाइज करना है कि मैं अपने गोल को पाने के सही रास्ते पर चल रहा हूँ और अपने गोल को पा रहा हूँ। चैप्टर 4, डोपामिन द डबल एज्ड सोर्ड। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जिससे हमें प्लेजर फील होता है जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं या हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, तब यह केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें ऐसा और करने का मन करता है। डोपामाइन हमें मोटिवेट करने में मदद करता है। जब हम किसी रिवॉर्ड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो डोपामाइन हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए कॉफ़ी की महक किसी कॉफ़ी लवर्स को उठने और एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। यह केमिकल डिसीजन लेने में और क्रिएटिविटी में भी मदद करता है। रिवॉर्ड के लिए हमारी इच्छा जितनी मजबूत होगी हम उसे पाने के तरीके ढूंढने में उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे। डोपामाइन कई बार बुरा भी होता है। जब हमें वह रिवॉर्ड नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है तो हमारे डोपामाइन का लेवल गिर जाता है जिससे हमें बुरा लगता है। यही कारण है कि चाहत या लालच को रोकना बहुत मुश्किल है। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पाने के लिए तैयार है और जब हमें वह नहीं मिलता है तो हमें निराशा होती है। चाहत या लालसा अक्सर इन्वायरमेंट से शुरू होती है। मान लीजिए कि आप हेल्दी खाना खाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहते हैं। आपने हेल्दी तो खा लिया पर अब जब भी आप किसी एरिया या किसी ऐसी जगह से गुजरेंगे जहाँ पिज्जा बर्गर की शॉप है तो आपकी चाहत और बढ़ जाएगी। इससे बचने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप उन सभी चीज़ों को पहचानो जो आपको पिज्जा बर्गर खाने की तरफ खींच रही हैं, जैसे वह रास्ता या वह शॉप। आप वहाँ पर अपना रास्ता बदल सकते हैं। अगर आप पिज्जा बर्गर की शॉप के पास जाएंगे ही नहीं तो आपकी चाहत इतनी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आमतौर पर अपनी कॉफ़ी के साथ अनहेल्दी नाश्ता करते हैं तो आप अपने सुबह के रूटीन को बदलकर उसमें हेल्दी नाश्ता शामिल करें। आप नई आदत बनाते समय अपने बेनिफिट्स के लिए डोपामाइन की पावर का यूज करें। छोटे अचीवेबल गोल सेट करें
जो आपको अचीवमेंट की फीलिंग दें और डोपामाइन रिलीज करें। यह आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करता है। चैप्टर 5, ग्रिट विल पावर एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग। ग्रिट का मतलब है मुश्किलों के बावजूद अपने गोल पर अड़े रहना। इसका मतलब होशियार होना नहीं है, इसका मतलब है हार ना मानना। रिसर्च से पता चला है कि धैर्य और ग्रिट सक्सेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए US मिलिट्री एकेडमी में हाई पेशेंस स्कोर वाले कैडेट्स और हाई IQ वाले कैडेट्स के कंपेयर में ज़्यादा बार सफल हुए हैं। यहाँ तक कि नेशनल स्पेलिंग बी में भी मोर पेशेंस वाले पार्टिसिपेंट्स ने अपनी इंटेलिजेंस की परवाह के बिना बेहतर परफॉर्मेंस किया है। अगला पॉइंट है विल पावर। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे पास हर दिन लिमिटेड क्वांटिटी में विल पावर होती है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि इसे मसल्स की तरह मजबूत किया जा सकता है। फिर भी अपनी विल पावर का इंटेलिजेंस से यूज करने से आपको बेहतर आदत बनाने में मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट, ट्रेनिंग डिसिप्लिन। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा और लिखने या थोड़ी देर तक एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। समय के साथ आप पाएंगे कि थकान को पीछे छोड़ना और अपने गोल को पाने में डिसिप्लिन रहना आसान है। थकान अक्सर फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होती है। जब आप थका हुआ महसूस नहीं करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग अभी भी आगे बढ़ सकता है। हर बार थोड़ी ज़्यादा कोशिश करके आप अपनी स्टेमिना एंड डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स गोल को पाने में यह जरूरी है। चैप्टर 6, ब्रेन ट्रेनिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रेन ट्रेनिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। यह एक पुरानी प्रैक्टिस है जो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है, खुशी बढ़ाता है और ब्रेन को ठीक करने में भी मदद करता है। रिसर्च से पता चलता है कि मेडिटेशन ब्रेन में न्यू वाइट मैटर को बनाता है, जो न्यू स्किल्स सीखने से जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन आपको पीस एंड स्टेबिलिटी को पाने में मदद करता है। यह आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी बढ़ा सकता है। रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपके लिए अपने गोल्स को पाना आसान हो जाता है। थकान को हराना गेम्स की तरह है, जहां एथलीट अपनी लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं। आप अपने ब्रेन को किसी भी गोल में थकान को पार करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब है जब आप थके हुए हो तो रुकने के बजाय थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करें। समय के साथ साथ यह मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। चैप्टर 7, फिट फॉल्स टू अवॉइड वन बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चैलेंजिंग है और आपको इस रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आइए जानें कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करूंगा। यह कहना कि आप कल शुरू करेंगे अक्सर इन एक्टिविटी की ओर ले जाता है। मोमेंटम बनाने के लिए अभी शुरू करें। एक प्रोडक्टिव डेज का सबसे मुश्किल हिस्सा काम को शुरू करना और रोकना है। हाई नोट पर एंड करने से आपको काम को दोहराने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अनरियल गोल सेट करने से फेलियर और इम्प्रेशन में कमी आती है। गोल को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन ही आपकी एकमात्र इंस्पिरेशन है तो लंबे समय तक आदतों का टिके रहना मुश्किल है। एक समय में एक मेजर गोल्स पर कंसंट्रेट करें। एक बार में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करने से थकान और फेलियर मिलता है। कामों को इतना आसान बनाएं कि फेल होना मुश्किल हो जाए, फिर धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ाएं। चैप्टर 8, रिड्यूस एंड यूटिलाइजिंग स्ट्रेस फ्यूचर स्टैंडर्ड्स चॉइसेस एंड ओवर एस्टिमेशन। स्ट्रेस आपके सेल्फ डिसिप्लिन में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसके लिए आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा।
आप वीक में एक दिन चीट डे कर सकते हैं। उस दिन आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हो, उस दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमें बिहेवियर चेंज का यूज करना चाहिए। किसी भी नई हैबिट को बनाने के लिए आपको माइंडफुल और मेडिटेशन का यूज करना चाहिए। यह आपके सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। आपको दोनों तरह के मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आपके अंदर से कुछ करने को मोटिवेट करता है और एक्सट्रिंसिक आपको पैसा और फेम पाने के लिए मदद करता है। पर यह याद रखिए कि दोनों तरह के मोटिवेशन होना जरूरी है। चैप्टर 9 टिप्स फॉर सक्सेस सेटिंग क्लियर गोल्स। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में सफल होने के लिए आपको क्लियर गोल बनाने की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने गोल को स्पेसिफिक बनाएं। मैं हेल्दी रहना चाहता हूं कहने के बजाय कहें मैं हर दिन 30 मिनट टहलना चाहता हूं। क्लियर गोल आपको यह जानने में मदद करते हैं कि आपको क्या करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान बनाते हैं। गोल को तोड़ना, बड़े गोल भारी पड़ सकते हैं, उन्हें छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो 500 शब्द लिखकर डेली गोल से शुरुआत करें। छोटे कदमों को मैनेज करना आसान होता है और आपको लगातार प्रोग्रेस करने में मदद करता है। एक डेली रूटीन होने से आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद मिलती है। अपने गोल पर काम करने के लिए हर दिन एक स्पेसिफिक समय तय करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसा समय चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो और हर दिन उस पर टिके रहें। एक रूटीन अच्छी आदतें बनाना आसान बनाता है। एक जनरल का यूज करना, अपने गोल और डेली कामों को एक जनरल में लिखें। इससे आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद मिलती है और आपको याद रहता है कि आपको क्या करना है। जब आप कोई काम पूरा कर लेते हैं तो उसे चेक करने से आपको अचीवमेंट का एहसास होता है और आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। रेस्पॉन्सिबल बने रहना, किसी को अपने गोल के बारे में बताएं या ऐसे ग्रुप में शामिल हों जिसके गोल आपके जैसे हैं। जब दूसरे जानते हैं कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे आपका सपोर्ट और इनकरेज कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने प्लान पर टिके रहने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना, हर बार जब आप कोई छोटी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसका जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीतें जुड़ती हैं और आपकी इंस्पिरेशन को बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक हफ्ते तक रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से अवॉइड करें जिसका आपको आनंद आता हो, जैसे कि मूवी नाइट या कोई पसंदीदा ट्रीट ना कहना सीखना। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको अपना टाइम और एनर्जी बचानी होगी। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और गैर जरूरी कामों को ना कहना सीखें, जो वाकई मायने रखता है उस पर ध्यान दें और अपने गोल को प्रायोरिटी दें। उन चीज़ों को ना कहना ठीक है जो आपके पर्पस को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करती। लचीला बने रहना, जीवन अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और कभी कभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। ज़रूरत पड़ने पर अपने प्लान में बदलाव करने के लिए तैयार रहें। लचीलापन आपको चुनौतियों का सामना करने पर भी लचीला बने रहने और आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। सेल्फ कंप्रेंशन की प्रैक्टिस करें, खुद के लिए काइंड रहें, खासकर जब आप फेलियर का सामना करते हैं। हर कोई गलतियां करता है और फेलियर का एक्सपीरियंस करता है। सेल्फ कंपनसेशन आपको जल्दी ठीक होने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। अपने आप से उसी तरह का बिहेवियर करें जैसा आप किसी फ्रेंड के साथ करते हैं। लगातार सुधार की तलाश करें, हमेशा सुधार के तरीके खोजें। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप में पार्ट भाग लें या पॉडकास्ट सुनें जो आपको मोटिवेट करते हैं। नए स्किल्स और स्ट्रेटजी सीखने से आपको बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन बनने और अपने गोल को ज़्यादा इफेक्टिवली पाने में
मदद मिल सकती है। चैप्टर 10 सजेशन फॉर हाउ टू अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपने गोल को लिखें और उसको पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे उनके बारे में भी लिखें। शुरुआत में अपने रूटीन में एक या दो से ज़्यादा चेंजेस ना करें, जिससे आपको नई हैबिट बनाने में मदद मिलेगी। प्लानर एफ जनरल का यूज करें, जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। आप किसी ग्रुप और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेंटर्स आपकी मदद कर देंगे। रेगुलरली आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, अगर ज़रूरत हो तो अपने तरीके और स्ट्रेटजी को बदलें, जिससे आपके और ज़्यादा सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आपके सेल्फ डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी एक चाबी है। चाहे कुछ भी हो, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज का यूज करें, जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। लगातार खुद को एजुकेटेड करते रहें। लर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और आखिरी पॉइंट है कि पेशेंस रखें। अचानक और इमीडिएट कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। लगातार मेहनत और लर्निंग से इसे डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।